So, students, yes, it's time to study economics. Chapter number 5. Now, the name of the chapter, cost of production and concepts of revenue. So, basically, if you only go through the heading, you will find that the chapter is divided into two parts. The first part is obviously related to the costing part, cost of production, and the second part is related to the concepts of revenue. Both are very, very important. So yes, chapter main start karne se pehle hamesha introduction hota hi hai. So I start with the introduction, which says that in economic analysis it is mainly important to understand the concept of cost as well as the concept of revenue to understand the behavior of the firm. As there is change in quantity of production, there is change in total cost. By cost, we come to know about the debit side, and by revenue, we come to know about the credit side. Now, to be very simple and easy, it says that, but naturally, jis tarah se production increase hoga ya decrease hoga, कॉस्टिंग पे असर पड़ता ही है. कॉस्ट एंड रेवेन्यू दोनों ही इंपॉर्टेंट है एक फर्म के लिए, फर्म के सर्वाइवल के लिए. अगर कॉस्ट ज्यादा है, रेवेन्यू कम है, इट मींस उसके बंद होने के चांसेस हो सकते हैं. अगर वो बहुत ही जल्दी वापस आया नहीं अपने पॉजिटिव ट्रैक पे, तो सो कॉस्ट एंड रेवेन्यू आर इम्पोर्टेंट ऑब्वियसली. नेक्स्ट, एज आई सेड, जैसे जैसे क्वांटिटी में चेंज आता है, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन में चेंज आता है, उसी तरह से कॉस्ट एंड रेवेन्यू में भी चेंजेस आते जाते हैं. वी ऑल नो जो आगे का हम स्टडी करेंगे, विच विल टेल अस अबाउट द concept of revenue and cost determined the normal production level. Now, concept of revenue and cost जो है वो important है. पढ़ना क्यों important है, वो कुछ points में divided है. The very first one is helps firm to decide the price of the commodity. Yes, obviously बात है, cost पे depend करेगा हमारा price कितना. हमारा प्राइस जो रहेगा, दैट विल हेल्प अस इन गेटिंग मोर रेवेन्यू. कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेवेन्यू एंड कॉस्ट डिटरमाइन द नॉर्मल प्रोडक्शन लेवल. वेरी फर्स्ट वन, हेल्प्स फर्म टू डिसाइड प्राइस ऑफ इट्स कमोडिटी. यस, कॉस्ट अगर बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है प्राइस भी इंक्रीज होगा ही. द सेकेंड वन इज प्रोवाइड्स गाइडलाइंस टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट ऑफ द फर्म. यस, हम व्हेनेवर अ प्रोड्यूसर प्रोड्यूसेस ना, ही ऑलवेज ट्राइज टू सी दैट इज एबल टू अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट. तो कॉस्टिंग वो उस हिसाब से करें, उस हिसाब से वो रॉ मटेरियल्स यूज करेंगे, ऑप्टिमम लेवल तक हर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज करेंगे जिससे उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके. द थर्ड वन इज मार्जिनल कॉस्ट इज यूजफुल टू एक्सप्लेन मैक्सिमम प्रॉफिट. नाउ मार्जिनल कॉस्ट, इन शॉर्ट आई विल एक्सप्लेन यू बिकॉज दिस वी हैव इट इन डिटेल ऑल्सो. मार्जिनल कॉस्ट मतलब एक यूनिट अगर एडिशनल प्रोड्यूस होता है तो उसके पीछे कितना खर्चा करना पड़ेगा. सो मार्जिनल कॉस्ट जो है वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने में काम आती है. मुझे मालूम चलेगा कि इस लेवल पे आके सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अच्छे से यूज हो रहे हैं, मेरा प्राइस यहाँ पे परफेक्ट रहेगा, मेरा इनकम यहाँ परफेक्ट रहेगा, एंड आई विल बी एबल टू अर्न गुड. सो मैक्सिमम प्रॉफिट. The fourth one is concept of marginal cost is helpful to understand the behavior of a firm. Yes, marginal cost से
बिहेवियर ऑफ द फर्म मालूम चलेगा. अगर एक लेवल पे आके मेरा कॉस्ट ज्यादा हो जाता है, मेरा रेवेन्यू अगर कम हो जाता है, प्रॉफिट्स अगर मेरे कम हो जाते हैं, सो ऑब्वियसली बात है मैं उतना ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करूँगी. सो दैट इज हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ अ फर्म. द फिफ्थ वन इज कंसेप्ट्स ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन टेकिंग डिसीशंस. Like what amount of factors of production are invested by firms, how much employment is given, what amount of production and investment is done. Yes, concepts of cost and revenue से हमें ये भी मालूम चलता है कि हमें कितना investment और करना चाहिए ताकि हम अपना income और बढ़ा सकें, या कितना investment मुझे कम करना चाहिए जिससे मेरा profit बढ़ सके. कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यू ऑल नो अबाउट डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मुझे कितने ज़्यादा लेवल तक मुझे उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना मुझे नंबर ऑफ लेबरर्स इंक्रीज करने चाहिए, वो सब के बारे में बताया जाए. द सिक्स वन इज कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इम्पॉर्टेंट टू नो द अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन मैनेजरियल इकोनॉमिक्स. वो टॉपिक आएगा सी क्लास में, तभी मैं आपको करवाऊंगी. द सेवेंथ वन इज द कॉन्सेप्ट्स ऑफ मॉनेटरी कॉस्ट इज यूजफुल टू गिव द गाइडलाइन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म. यस, ऑब्वियस ही बात है, मॉनेटरी कॉस्ट नाम से ही मालूम चलता है, यहाँ पे कॉस्ट जो है वो इन टर्म्स ऑफ मनी कैलकुलेट होता है. यस, इन टर्म्स ऑफ मनी. बाकी अपॉर्चुनिटी और रियल कॉस्ट में डिफिकल्ट रहता है, जबकि मॉनेटरी कॉस्ट में इन टर्म्स ऑफ मनी कैलकुलेट करना ईजी रहता है. So again, monetary cost is a type of cost which is helpful. Obviously baat hai, paisa aata hai yahan pe, to it is helpful for the administration of the firm. Now, due to above mentioned causes, reasons, it is important to study the cost and revenue of a firm. Ye sare different reasons se hame malum chalta hai ki what is the importance of cost of production as well as the revenue. Now, to produce any goods or services, whatever expenditure is incurred, that is known as cost of production. Yes, obviously baat hai. कोई भी product produce करने से पहले या service provide करने से पहले expenditure हमें कितना incur करना होता है, that is known as cost of production. First, we will study the different concepts of cost of production. Yes, we will go through the basic heading. And then obviously the detailed one. The various concepts of cost are basically over here three. फिर आगे further divisions है, but over here we are having three. Real cost, the first one. The second is opportunity cost. The third one is monetary cost. Now students, let us start with the very first one, that is real cost. Yes, पहले हम लोग start करेंगे real cost से, and meaning and introduction of it. So as to make the things simpler for you people. Now the real cost, the concept of real cost was given by classical economist. Yes, yay, these are important one-liners ke who gave the idea, the concepts of real cost. So they were given by the classical economist, and they had presented this concept in the context of main factor of production, land and labor. इन्होंने beginning में जब present किया था तो वो स्पेशली सिर्फ लैंड एंड लेबर के लिए ही था, मगर मॉडर्न टाइम्स में धीरे धीरे ये बाकी के दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज कैपिटलिस्ट एंड एंटरप्रेन्योर्स, पर भी लागू होने लगा था. नाउ यस, वी स्टार्ट विथ द मीनिंग दैट वाज गिवन बाय द ग्रेट इकोनॉमिस्ट मिस्टर मार्शल. ही सेज दैट the laborers, capitalists, entrepreneurs who are involved in the process of production bear psychological and physical burden. Such burden is called real cost. Yes, jo laborers hote hain, jo capitalists hote hain, jo entrepreneurs hote hain, wo fact jo process hota hai production ka usme involve hote hain, jiski wajah se unhe psychological burden ho jata hai, tension, mental stress ho jata hai. For example, जो कैपिटलिस्ट होता है उसने अपना पैसा डाला होता है, उसने पैसा इन्वेस्ट किया होता है, तो उसके मन में हमेशा रहेगा कि पैसा जो मैंने इन्वेस्ट किया है वो मुझे विद प्रॉपर रिटर्न्स वापस मिलेगा, कहीं मेरे पैसे डूब तो नहीं जाएंगे. सो दैट मेंटल टेंशन, दैट मेंटल बर्डन
इज कॉल्ड रियल कॉस्ट. सेम वे लेबरर्स का भी होता है, वो भी बहुत काम करते हैं, फिजिकल वर्क रहता है उनका, फिजिकल बर्डन होता है उन पे टू प्रोड्यूस अ प्री डिसाइडेड नंबर ऑफ यूनिट्स, तो उनको भी टेंशन होता है, स्ट्रेस होता है. सो दैट बर्डन इज कॉल्ड रियल कॉस्ट. मनी स्पेंट बाय मैनी प्रोड्यूसर्स फॉर प्रोडक्शन वर्क ऑफ गुड्स इज नॉट ओनली प्रोडक्शन कॉस्ट बट द फैटी बोर्डम टेंशन स्ट्रेस फेस्ड बाय द लेबरर्स. यस, ऑब्वियस ही बात है, जो लेबरर्स हैं जो काम कर रहे होते हैं उन्हें सिर्फ टेंशन स्ट्रेस नहीं होता, साथ में फैटीग भी होता है, थक भी जाते हैं वो लोग काम कर करके. रोज सेम तरह का काम करेंगे तो वो बोर भी हो जाते हैं. दैट इज इंक्लूडेड इन रियल कॉस्ट. देन वी कम टू द पार्ट ऑफ कैपिटलिस्ट. द कैपिटलिस्ट ऑब्वियसली दे सेक्रीफाइस देयर सेविंग्स. जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया कि वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं. इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा? ऑब्वियसली उनके सेविंग्स से आएगा. तो उनको एंजाइटी रहता है, इनसिक्योरिटी रहता है, टेंशन रहता है. काय का ऑफ इनडिसिसिवनेस आर द फैक्टर्स इंक्लूडेड इन द रियल कॉस्ट. यस, टेंशन, फटीग, थकान, ये सब जो हैं वो रियल कॉस्ट में इंक्लूडेड होते हैं. नाउ रियल कॉस्ट कैन नॉट बी प्रेजेंटेड इन मॉनेटरी टर्म्स, देयरफॉर रियल कॉस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन मॉनेटरी कॉस्ट. यस, ये जो है वो हम इन टर्म्स ऑफ मनी डिफाइन नहीं कर सकते, वो हम अच्छे से मनी के हिसाब से उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं. जैसे कोई प्रोडक्ट मार्केट में मिलता है तो वो मुझे से 15 रुपीज़ में मिल रहा हो तो दैट इज़ व्हाट मैं मॉनिटरीली उसके लिए पे कर रही हूँ. यहाँ पे मैं टेंशन थकान को इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं बता सकती, तो इसीलिए इसको रियल कॉस्ट को नॉन मॉनिटरी कॉस्ट भी कहा जाता है. Professor Marshall says the factors of production faces real cost and to attract them, return is given in the form of wage, interest and profit. Yes, क्योंकि ये इनको ये सारे tensions होते हैं, anxiety होता है, insecurity होता है, तो इनको attract करने के लिए कि वो जैसे capitalist है वो ज़्यादा invest करे, इसीलिए उनको interest दिया जाता है. Now, yes, the next topic in the same one, problems in measuring the real cost. Now it says that the real cost includes fatigue, boredom, pain, sacrifice and anxiety, which we have already started. The goods which have psychological impact are difficult to be measured. Yes, ये मैंने आपको अभी अभी समझा, ये इनका psychological impact होता है, तो इनको measure करना difficult होता है, बिल्कुल भी easy नहीं होता है. Moreover, the smoke emitted by the factories create adverse effect on the health of the people of surrounding area. The adverse effect is also the cost and social view and therefore it cannot be measured. Yes, जो लोग जो laborers industries के आस पास रहते हैं उनकी health पर भी negative impact पड़ता है and that also that adverse effect on the health is also a cost and social view. Society के हिसाब से देखा जाए तो ये भी एक तरह का cost है and therefore it cannot be measured. Now, I next move on to opportunity cost, जो हम लोगों ने study किया था causes में भी. Okay, now this concept is important to know the alternative use. तो यहाँ पे मैं आपको वही समझाऊंगी. Over here, we first start with the meaning and explanation of the topic of opportunity cost. Now, meaning and explanation में बोला गया है के नाउ लिटिल बिट ऑफ इंट्रोडक्शन विच सेज दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वॉज प्रेजेंटेड बाय ऑस्ट्रियन इकोनॉमिस्ट. यस, रियल कॉस्ट प्रेजेंटेड बाय क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रेजेंटेड बाय ऑस्ट्रियन इकोनॉमिस्ट, बट इट वॉज प्रॉपरली प्रेजेंटेड बाय मार्शल. अच्छे से इसको प्रेजेंटेशन मिस्टर मार्शल ने किया था. द मीन्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैव अल्टरनेटिव यूजेस, दैट इज मोर देन वन यूज. यस, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उनके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट यूजेस होते हैं. सो दिस कंसेप्ट इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. व्हेन द फैक्टर इज यूज्ड फॉर अ पर्टिकुलर यूज, द अदर यूज इज लेफ्ट आउट और द सेम कैन नॉट बी यूज्ड फॉर अदर पर्पस. देयरफॉर द बेस्ट अल्टरनेटिव व्हिच वन इज लेफ्ट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन.
सिंपल एंड ईजी वे में अगर मुझे समझाना हो तो जो एक हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अलग अलग यूजेस होते हैं. अगर सपोज करो मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, एक्स एंड वाई. मैंने एक्स को चुना, वाई को नहीं चुना. तो एक्स के लिए जो मैंने वाई को नहीं चुना होता है, दैट इज नोन एज माय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. Now same thing is explained to you people with the help of example. Now over here there are two examples. I'll explain you both of them. The very first one is, on a field or a piece of land of wheat is produced, then at the same time on the same piece of land other food grain or crop cannot be produced. Work obviously baat hai, ek piece of land hai. Agar main us pe x commodity produce kar rahi तो मैं उसी टाइम पे उसी लैंड पे वाई कमोडिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकता. अनदर एग्जांपल, सपोज अ पर्सन इज हैविंग से 2 lakh रुपीस, देन एट द सेम टाइम द सेम अमाउंट ही कैन इन्वेस्ट ओनली इन वन फर्म. वो सेम अमाउंट सेम टाइम पे दो फर्म्स पे इन्वेस्ट नहीं कर सकता है. वर्कर का एग्जाम्पल आप लोगों को दिया हुआ है, इज वर्किंग इन अ टेक्सटाइल मिल, सो एट द सेम टाइम ही कैन नॉट वर्क इन एनी अदर इंडस्ट्री. दिस वे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एज अल्टरनेटिव यूजेस. यस, यहाँ पे पहले आपको अल्टरनेटिव यूजेस का एग्जाम्पल दिया हुआ है. नाउ इन डिटेल द मीनिंग एंड एक्सप्लेनेशन विच सेज दैट इफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी, सो द बेस्ट अल्टरनेटिव इज The next best alternative is left out. The cost of unborn or unproduced commodity is opportunity cost of produced commodity. Now the example. यहाँ पे जो आपको example दिया हुआ है, it says that suppose एक piece of land पे अगर हम उस पर wheat grow करते हैं तो हमारा income होता है 2 lakh. राइस ग्रो करते हैं तो इनकम होता है 3.5 lakh का, दैट इज 3.5 lakh रुपीज. नाउ इट इज बट नेचुरल कि जो फार्मर है वो राइस ग्रो करेगा क्योंकि राइस में उसको ज्यादा प्रॉफिट है, ज्यादा वो अर्न करेगा. वो वीट प्रोड्यूस नहीं करेगा. तो एज टू गेट द इनकम ऑफ 3.5 lakh फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ राइस, फार्मर लेफ्ट आउट the income of 2 lakh from the production of wheat. So the left out income of rupees 2 lakh from the production of wheat is opportunity cost of 3.5 lakh earned. Jo jaane diya jata hai, that is known as opportunity cost. So over here students, humko yahan pe with the help of cost jo hota hai, उससे हमको अल्टरनेटिव यूजेस के बारे में मालूम चलता है. यहाँ पे अपॉर्चुनिटी वी हैव ऑफ यूजिंग द सेम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस. यहाँ पे हम अल्टरनेटिव यूजेस देख सकते हैं. तो क्योंकि हम अल्टरनेटिव यूजेस पे यहाँ पे जा रहे हैं तो यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे. ऑब्वियस जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो हम वो चूज करेंगे, जो नेक्स्ट टू बेस्ट ऑप्शन होगा उसको हम छोड़ देंगे. तो जो हमने छोड़ दिया होता है, दैट इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर द वन दैट वी आर यूजिंग. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द प्रॉब्लम्स इन मेजरिंग द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. सो द वेरी फर्स्ट वन इज फैक्टर विद वन यूज. फैक्टर्स विद वन यूज, अब जिस फैक्टर का एक ही यूज होगा यानी कि उसके लिए ऑप्शंस है ही नहीं, वहां पे हमारे पास है ही नहीं कुछ और. इफ एनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैज ओनली वन यूज, देन इट्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैन नॉट बी डिसाइडेड. फॉर एग्जाम्पल, सम पीस ऑफ लैंड इज ओनली यूज टू प्रोड्यूस ग्रास, सो फॉर एज दैट पीस ऑफ लैंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड. बट नेचुरल के उसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कैलकुलेशन जो है वो पॉसिबल यहाँ पे नहीं होता है. यहाँ पे ग्रास के अलावा हम कुछ और ग्रो ही नहीं कर सकते हैं.
it will be applied for unemployed person also. They have no work, as how can we calculate alternative cost? Option hi nahi hai, koi kaam hi nahi hai, to alternative possible nahi hai. Now the next is factor having specific use. Yes, factor having specific use. If factors of production are specific factor, then this concept is not useful. Returns of these factors are not decided by their alternative uses, but it is decided on the basis of their demand. यहाँ पे demand के हिसाब से उनका use होगा. उनका alternative कुछ और है ही नहीं. This can be easily understood with the help of example, which says that person having expertise over computers, जिस इंसान को computer का knowledge होगा, वो वही काम अच्छे से कर पाएगा. अब अगर उसको हम बोलेंगे कि तू शेफ का काम कर ले, तो possible ही नहीं है उसके लिए. Scientist having knowledge of atomic power, etc. Now, next time move on to monetary cost, जिसके बारे में हमने पहले भी discuss किया था. Now, over here we have introduction, meaning as well as the example of it. Now, the concept of monetary cost is useful in economic analysis. Yes, obviously बात है, जैसे मैंने पहले भी बोला, यहाँ पे पैसे में deal कर रहे हैं, तो this is important in analysis. Decisions related to production and price determination, because real cost and opportunity cost have many limitations. Cost of production is calculated in terms of money. Therefore, concept of monetary cost is important. Now, real cost is known as non-monetary cost, क्योंकि उसको हम in terms of money calculate नहीं कर सकते. Then we studied about opportunity cost, उसके भी अपनी limitations थी. तो इस वजह से यहाँ पे monetary cost important है. Producer having objective of maximum profit produces goods at low cost and tries to maximize the profit. Obviously बात है, जो producer होता है उसका main goal होता है to earn maximum profit. So in order to earn the maximum profit, obviously he will see that he is able to reduce the cost and maximize the profit. वो पूरी कोशिश करेगा cost को कम करने की और profit को increase करने की from the income by selling the product. Obviously बात है, product बिकेगा तभी तो वो कमा पाएगा. The concept of production in terms of money is known as monetary cost. Yes, जो चीज in the terms of money आती है, especially cost of production में, that is known as monetary cost. Now example over here is, for example, if a factory producing pens incur cost of rupees 50,000 to produce 1,000 units of pen, so the monetary cost to produce 1,000 units of pen is rupees 50,000. Yes, simple and easy example आप लोगों को दिया हुआ है कि अगर कोई factory जो है वो pens को produce करने के लिए 1,000 pens को produce करने के लिए 50,000 का cost अगर वो incur कर रही है, तो monetary cost वो 1,000 pens का 50,000 rupees होगा. Very easy and simple monetary cost था हमारा. And with this students, I'm done with my today's e-class. I'll continue with the same chapter in my next e-class also. Till then, yes, you know that you're supposed to take care of yourself. Thank you.